एक नई वीडियो में दोस्तों आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं रेनॉल्ट काइगर के आरएक्सएल वेरिएंट को निसान मैग्नाइट के एक्सएल वेरिएंट के साथ में। ये दोनों ही मॉडल दोस्तों इन दोनों ही गाड़ियों के बेस वेरिएंट से एक वेरिएंट ऊपर वाला मॉडल कंपेयर कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले दोस्तों अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास वाले बेल आइकन को भी दबा लें इसी तरह के लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। इस वीडियो की शुरुआत करेंगे दोस्तों हम इन दोनों ही गाड़ी की सभी बेसिक इन्फॉर्मेशन, जैसे कि इन दोनों ही का प्राइस, इनमें मिलने वाली डायमेंशंस, इंजन स्पेसिफिकेशन, एक्सटीरियर और इनमें मिलने वाले सभी फीचर्स के साथ में। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हम प्राइस की बात कर लेते हैं। रेनॉल्ट काइगर के आरएक्सएल वेरिएंट और निसान मैग्नाइट के एक्सएल वेरिएंट की प्राइस यहाँ पर आप देख सकते हैं और जो प्राइस के बीच में डिफरेंस है वो भी दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं। काइगर का आरएक्सएल वेरिएंट यहाँ पर आपको 1.0 पेट्रोल इंजन के साथ में मैनुअल ट्रांसमिशन में मिल जाता है 6,14,000 रुपए में। वहीं निसान मैग्नाइट का एक्सएल वेरिएंट मिलता है 5,99,000 रुपए में। निसान मैग्नाइट यहाँ पर आपको 15,000 रुपए सस्ती मिल जाती है काइगर के आरएक्सएल वेरिएंट से। रेनॉल्ट काइगर के आरएक्सएल वेरिएंट में दोस्तों आपको 1.0 पेट्रोल इंजन के साथ में एएमडी का ऑप्शन भी मिल जाता है जिसकी प्राइस है 6,59,000 रुपए। रेनॉल्ट की काइगर में दोस्तों आपको 1.0 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन भी मिल जाता है मैनुअल ट्रांसमिशन में जिसकी प्राइस है 7,14,000 रुपए। और निसान मैग्नाइट के एक्सएल वेरिएंट में भी आपको टर्बो पेट्रोल इंजन मिल जाता है जिसकी प्राइस है 6,99,000 रुपए। मैग्नाइट के एक्सएल वेरिएंट में दोस्तों आपको टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ में सीवीटी का ऑप्शन भी दिया गया है जिसकी प्राइस है 8,58,000 रुपए। तो यहाँ पर दोस्तों आपको रेनॉल्ट काइगर के आरएक्सएल वेरिएंट में 1.0 नॉर्मल पेट्रोल इंजन के साथ में मैनुअल ट्रांसमिशन और एएमटी ट्रांसमिशन मिल जाता है और मैग्नाइट के एक्सएल वेरिएंट में आपको 1.0 टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ में मैनुअल ट्रांसमिशन और सीवीटी का ऑप्शन मिल जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों इन दोनों ही गाड़ी में मिलने वाली डायमेंशंस के बारे में। तो इन दोनों ही गाड़ी की डायमेंशंस यहां पर आप देख सकते हैं। निसान की मैग्नाइट दोस्तों यहां पर आपको 3 mm ज्यादा लंबी मिल जाती है रेनॉल्ट की काइगर से और 8 mm ज्यादा चौड़ी मिल जाती है रेनॉल्ट की काइगर से, जो कि ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है। वहीं हाइट की बात करें तो रेनॉल्ट की काइगर यहां पर आपको 28 mm ज्यादा ऊंची मिल जाती है निसान की मैग्नाइट से। व्हील बेस आपको इन दोनों ही गाड़ी में बिल्कुल बराबर दिया गया है 2500 mm का। बूट स्पेस की दोस्तों अगर हम बात करें तो 69 लीटर का बूट स्पेस यहाँ पर आपको रेनॉल्ट की काइगर में ज्यादा मिल जाता है निसान की मैग्नाइट से। ग्राउंड क्लीयरेंस यहाँ पर आपको इन दोनों गाड़ी में बिल्कुल बराबर मिल जाता है 205 mm का। टायर साइज की बात करें तो टायर साइज भी बिल्कुल बराबर मिल जाते हैं 195/60 R16 इंच। इन दोनों ही मॉडल के अंदर दोस्तों आपको R16 इंच के व्हील्स मिल जाते हैं। फुल व्हील कवर यहाँ पर आपको दिए गए हैं। अब बात करते हैं दोस्तों इनमें मिलने वाले इंजन स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो यहाँ पर आपको इन दोनों गाड़ी के अंदर दो इंजन दिए गए हैं, नॉर्मल पेट्रोल इंजन और टर्बो पेट्रोल इंजन। तो सबसे पहला इंजन यहाँ पर आपको 1.0 लीटर का नॉर्मल पेट्रोल इंजन मिल जाता है जिसकी पावर 71 bhp और 96 Nm का टॉर्क इसमें आपको मिल जाता है। नॉर्मल पेट्रोल इंजन के साथ में दोस्तों रेनॉल्ट की काइगर की ऑफिशियल माइलेज को अभी तक अनवील नहीं किया गया है, लेकिन निसान मैग्नाइट में 18.75 kmpl की माइलेज मिल जाती है नॉर्मल पेट्रोल इंजन के साथ में। यह इंजन दोस्तों आपको 5-speed मैनुअल ट्रांसमिशन और AMT ट्रांसमिशन के साथ में मिल जाता है। अगला इंजन दोस्तों यहाँ पर आपको 1.0 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन मिलता है जिसकी पावर 99 bhp की मिलती है और 160 Nm का टॉर्क मिलता है, जो कि दोनों ही गाड़ी में बिल्कुल बराबर मिल जाता है। टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ में रेनॉल्ट काइगर की ऑफिशियल माइलेज को अनवील नहीं किया गया, लेकिन निसान मैग्नाइट में 20 kmpl तक की माइलेज टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ में क्लेम की जाती है। यह टर्बो पेट्रोल इंजन दोस्तों आपको 5-speed मैनुअल ट्रांसमिशन और CVT ट्रांसमिशन के साथ में मिल जाता है दोनों ही गाड़ियों के अंदर। अब दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इन दोनों ही गाड़ी के एक्सटीरियर और इंटीरियर के बारे में। उसके बाद में बात करेंगे इनमें मिलने वाले फीचर्स के बारे में। रेनॉल्ट काइगर के आरएक्सएल वेरिएंट के एक्सटीरियर डिजाइन में दोस्तों यहाँ पर आपको LED डे टाइम रनिंग लाइट्स दी गई हैं। फ्रंट प्रोफाइल में दोस्तों यहाँ पर आपको क्रोम की ग्रिल मिल जाती है। बॉडी कलर के डोर हैंडल यहाँ पर आपको दिए गए और टर्न इंडिकेटर यहाँ पर आपको ORVM के ऊपर ही देखने को मिल जाते हैं। 16 इंच के स्टील व्हील यहाँ पर आपको मिलते हैं जिसके साथ की फुल व्हील कवर दिए गए। सिल्वर कलर की रूफ रेल्स यहाँ पर आपको मिल जाती है और सी शेप के LED टेल लैंप यहाँ पर आपको दिए गए हैं। रियर प्रोफाइल में दोस्तों यहाँ पर आपको एक स्पोर्टी सा स्पॉइलर मिल जाता है। शार्क फिन एंटीना यहाँ पर आपको दिया गया एक्सल वेरिएंट में। इंटीरियर में दोस्तों यहाँ पर आपको पियानो ब्लैक फिनिश के साथ में स्टीयरिंग व्हील दिया गया है। मैग्नेट के एक्सल वेरिएंट के एक्सटीरियर डिजाइन की दोस्तों अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको हेलोजन हेडलैम्प दिए गए फ्रंट प्रोफाइल में। बॉडी कलर का बम्पर यहाँ पर आपको मिल जाता है और बॉडी कलर में डोर हैंडल दिए गए और बॉडी कलर में ORVM मिल जाता है। और जो टर्न इंडिकेटर है दोस्तों वो भी यहाँ पर आपको ORVM का ऊपर ही दिया गया। रूफ रेल्स यहाँ पर भी आपको मिल जाती है और रूफ माउंटेड एंटीना यहाँ पर भी आपको दिया गया, लेकिन शार्क फिन एंटीना यहाँ पर आपको नहीं मिलता है। वहीं इंटीरियर की बात करें तो 12-tone का इंटीरियर दोस्तों यहाँ पर आपको मिल जाता है जिसके साथ की आपको म्यूजिक सिस्टम भी दिया गया है और स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो कंट्रोल भी मिल जाते हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं रेनॉल्ट काइगर के आरएक्सएल वेरिएंट और निसान मैग्नाइट के एक्सएल वेरिएंट में मिलने वाले सभी फीचर्स के बारे में। सबसे पहले हम बात करें इन दोनों ही गाड़ी के दोनों ही वेरिएंट में मिलने वाले सभी कॉमन फीचर्स के बारे में, वो सभी फीचर जो कि आपको निसान मैग्नाइट के एक्सएल वेरिएंट और रेनॉल्ट काइगर के आरएक्सएल वेरिएंट में मिल जाते हैं। तो सेफ्टी के लिए दोस्तों यहाँ पर आपको डुअल फ्रंट एयरबैग दिए गए हैं। ABS विद EBD का फीचर यहाँ पर आपको मिल जाता है। रिवर्स पार्किंग सेंसर दिए गए हैं।
सीट बेल्ट वार्निंग एंड हाई स्पीड अलर्ट का फीचर भी दिया गया है। चाइल्ड सेफ्टी लॉक का फीचर दोस्तों यहाँ पर आपको मिल जाता है और सीट बेल्ट प्री टेंशनर्स विद लोड लिमिटर का फीचर भी दिया गया है। और यहाँ पर दोस्तों आपको स्पीड सेंसिंग ऑटो डोर लॉक का फीचर भी दिया गया है। तो ये सभी सेफ्टी फीचर्स यहाँ पर आपको मिल जाते हैं इन दोनों ही वेरिएंट में। वहीं बात करें इनमें मिलने वाले कॉमन कंफर्ट एंड कन्वीनियंस फीचर के बारे में, तो मैनुअल एसी यहाँ पर आपको रेनॉल्ट की कैगर में देखने को मिलेगा, जबकि मैग्नेट के एक्सल वेरिएंट में आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल एसी देखने को मिल जाता है। फ्रंट एंड रियर पावर विंडोज यहाँ पर आपको दोनों ही वेरिएंट के अंदर दी गई है। टिल्ट एडजस्टेबल स्टीयरिंग व्हील का फीचर यहाँ पर आपको दिया गया है। 12 वोल्ट का पावर आउटलेट मिल जाता है मोबाइल चार्ज करने के लिए। फ्रंट एडजस्टेबल हेडरेस्ट यहाँ पर आपको इन दोनों ही गाड़ी में दिए गए हैं। फ्रंट कप होल्डर यहाँ पर आपको मिल जाता है और ऑल फोर डोर के अंदर आपको बोतल होल्डर का फीचर भी दिया गया है और इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVM का फीचर यहाँ पर आपको मिल जाता है। ये सभी फीचर दोस्तों यहाँ पर आपको मिल जाते हैं कंफर्ट एंड कन्वीनियंस के लिए। वहीं बात करें इन दोनों गाड़ी में मिलने वाले मल्टीमीडिया सिस्टम के बारे में, तो यहाँ पर आपको इन दोनों गाड़ी के अंदर 2 DIN का ऑडियो सिस्टम दिया गया है, जिसके अंदर के आपको 4 स्पीकर मिल जाते हैं और USB AUX ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी मिल जाती है। तो ये सभी फीचर दोस्तों यहाँ पर आपको मिल जाते हैं रेनॉल्ट कैगर के RXL वेरिएंट और निसान मैग्नाइट के XL वेरिएंट में मिलने वाले सभी कॉमन फीचर्स की लिस्ट दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं इन दोनों गाड़ी में मिलने वाले यूनिक फीचर के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे रेनॉल्ट कैगर के RXL वेरिएंट में मिलने वाले यूनिक फीचर के बारे में, वो सभी फीचर जो कि आपको रेनॉल्ट कैगर का RXL वेरिएंट लेने पर मिल जाते हैं लेकिन निसान मैग्नाइट का XL वेरिएंट लेने पर नहीं मिलते हैं। रेनॉल्ट कैगर का RXL वेरिएंट लेने पर दोस्तों आपको रियर एसी वेंट्स का फीचर मिल जाता है जो कि निसान मैग्नाइट के XL वेरिएंट में नहीं मिलता है। रियर पावर आउटलेट यहाँ पर आपको मिल जाता है। ड्राइवर आर्मरेस्ट का फीचर भी दोस्तों यहाँ पर आपको दिया गया और LED डे टाइम रनिंग लाइट्स का फीचर भी यहाँ पर आपको मिल जाता है। फ्रंट प्रोफाइल में LED टेल लैंप भी यहाँ पर आपको दिए गए और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर यहाँ पर आपको मिल जाता है रेनॉल्ट कैगर के RXL वेरिएंट में। तो ये वो सभी फीचर है जो कि आपको रेनॉल्ट कैगर का RXL वेरिएंट लेने पर मिल जाते हैं लेकिन निसान मैग्नाइट का XL वेरिएंट लेने पर नहीं मिलते हैं। रेनॉल्ट कैगर के RXL वेरिएंट में मिलने वाले सभी फीचर्स की लिस्ट दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं निसान मैग्नाइट के XL वेरिएंट में मिलने वाले सभी यूनिक फीचर के बारे में। वो सभी फीचर जो कि आपको निसान मैग्नाइट का XL वेरिएंट लेने पर मिल जाते हैं लेकिन रेनॉल्ट कैगर का RXL वेरिएंट लेने पर नहीं मिलते हैं। मैग्नाइट के XL वेरिएंट में दोस्तों आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल AC मिल जाता है जबकि आपको कैगर में मैनुअल AC दिया गया है। यहाँ पर दोस्तों आपको वैनिटी मिरर दिया गया है को ड्राइवर के लिए। रियर सीट के हेडरेस्ट भी यहाँ पर आपको एडजस्टेबल मिल जाते हैं मैग्नाइट के XL वेरिएंट में। वन टच अप एंड डाउन ड्राइवर विंडो का फीचर यहाँ पर आपको दिया गया है। इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल ORVM का फीचर भी यहाँ पर आपको मिल जाता है XL वेरिएंट में और रियर डिफोगर यहाँ पर आपको दिया गया है। रियर वाइपर का फीचर यहाँ पर आपको मिल जाता है और स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो कंट्रोल भी यहाँ पर आपको मिल जाते हैं निसान मैग्नाइट का XL वेरिएंट लेने पर। निसान मैग्नाइट के XL वेरिएंट में मिलने वाले सभी यूनिक फीचर्स की लिस्ट दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो अब बात करते हैं दोस्तों इनमें मिलने वाले कलर ऑप्शन के बारे में। सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे रेनॉल्ट की कैगर में मिलने वाले कलर ऑप्शन के बारे में। तो रेनॉल्ट की कैगर में दोस्तों यहाँ पर आपको रेड कलर दिया गया है, ब्लू कलर यहाँ पर आपको मिल जाता है, सिल्वर कलर दिया गया है, ग्रे कलर यहाँ पर आपको मिल जाता है, व्हाइट कलर यहाँ पर आपको मिल जाता है और ब्राउन कलर यहाँ पर आपको मिल जाता है। उसी के साथ में यहाँ पर आपको डुअल टोन कलर ऑप्शन भी मिल जाता है। ब्लू कलर के साथ में ब्लैक रूफ मिल जाती है और सिल्वर कलर के साथ में ब्लैक रूफ का ऑप्शन मिल जाता है जो कि RXL वेरिएंट में भी मिल जाता है। निसान की मैग्नेट में मिलने वाले कलर ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर आपको सिल्वर, व्हाइट, ब्राउन एंड ब्लैक कलर मिल जाता है। उसी के साथ में दोस्तों यहाँ पर आपको डुअल टोन कलर ऑप्शन भी मिल जाते हैं, रेड के साथ में ब्लैक रूफ, ब्राउन कलर के साथ में ब्लैक रूफ, व्हाइट कलर के साथ में ब्लैक रूफ और ब्लू कलर के साथ में व्हाइट रूफ। तो ये था दोस्तों इन दोनों गाड़ी का कंपैरिजन वीडियो। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को जरूर से लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए।